नमस्ते फ्रेंड, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप सब लोग कैसे आए हो? आप लोग ठीक हो? मैं अभी बाहर जाती हूँ, देखते हैं लोग सब क्या कर रहे हैं। और अभी बहुत तेज धूप है, मैं आप लोग को जरूर दिखाता हूँ कि धूप यहाँ पे कितनी ज्यादा है। ये देखिए कितनी तेज धूप है, ऐसा लग रहा है कि जैसे गर्मी का महीना चालू हो गया है और अभी फरवरी का स्टार्टिंग लास्ट चल रहा है। 21-22 तारीख है और आज ये देखिए कितनी ज्यादा धूप है। यहाँ पे शायद नल लग रहा है, खुदाई वुदाई का काम चल रहा है। और ये मम्मी सोनू लोग बैठे हैं, सूट का काम कर रहे हैं। क्या काट रहे हो? ये देखो हमारी बहन ये काम लेके आती है। लोग सारे लोग काम दे तो देते हैं लेकिन काटना हम लोग को पड़ता है, उसका पैसा थोड़ी देते हैं। लेकिन क्या करें, काटना तो पड़ेगा क्योंकि कस्टमर में देना पड़ेगा। ये लोग का यही चलता रहता है। जाते हैं संदे लोग को देखते हैं क्या करते हैं, देखते हैं संदे लोग क्या कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? देखो चाची जा रही चाचा के साथ घूमने, अकेले अकेले घूमने जा रही हो? हाँ घूम आओ। को देखते जे बाबू नहा के निकले हैं, ये देखो नहा लिए। पागल हो क्या बेटी लो? अरे बाबा साहब को नहा लिया। अरे वाह, आई राम, बड़ी जम से चीप लगी यार पैर में। ये देखो कंगी मंगी कर ली है चाची के नहा वाली। कहाँ गई? एक नहा रही है। सर धोइए क्या? कपड़े कपड़े दे दो बाबू को। पागल है, पागल हो गई आज। कहाँ गई है? नहा रही है। पायल पहन रहे हो? पायल पहन रहे जो देखो पैर पहन नहीं चाची। हाँ ना, फिर सब ठीक हो गया? हाँ ठीक है अभी तो। चाची काम पे गई थी और गिर गई थी, वहाँ स्लिप हो गई थी तो सर में इनको बहुत ज्यादा चोट आई थी। फिर दवाई वाई के लिए पैसे से दी थे? दी थी। हाँ ना भाई, तुम्हारे घर में गिरे तो देना चाहिए, सही बात है। हम फोन लगा के बोले आंटी आपके घर में गिरी है तो आप पैसा दो, तो कहते बेटा मैं थोड़ी गिरा हूँ जान के, मैंने भी आपने गिरा तो आपके घर में गिरी ना। सही बात है। हाँ ये देखो पान बना रही है, पान खा रही है, आप लोग भी खा लो पान, है ना? कौन सा मीठा पान बना रही की वो वाला? मीठा। अच्छा आज क्या बात है संध्या? नहा ली बाल वाल धो के। काहे संध्या? चलो यार हम भी घर चलेंगे, घर जा रहे। अच्छा अच्छी मन नहीं लग रहा वो देखो नहा के करी, काहे लुक रही है? आ जाओ, काहे शर्मा रही? वो देखो बहुत शर्माती है आज, सुंदर लग रही ना नहा के निकली। इधर आजा, इधर दिख रही हो, इधर आजा। कहाँ तुम्हारे लिए दोला, इसके लिए दोला देखना एक तो अच्छा सा, है ना चाची? इसके लिए दोला देखना एक तो, क्यों आज तो गोरी सी दिख रही ना अली वो देखो। हाँ दोला देखते हैं, इसके लिए कोई दोला हो तो बताओ, एक आठ लड़का शादी करने के लिए बेचारी की ढूंढ ली। जा रहे भाई हम अपने घर। कहा तुम तो घूमने गई थी ना, कहाँ घूमने गई थी चाचा के साथ? डॉक्टर क्या? मम्मी बैठी है, खाना खा लिया मम्मी? ये सोनू किससे बात करती रहती है, सूट बनने जा रही है, थक गए यार। आज मैं आप लोग को फेस ग्लोइंग के लिए आप लोग को कुछ घरेलू टिप्स बताऊंगी जिससे आप लोग का चेहरा बहुत ज्यादा ग्लो करेगा एंड जो भी डेड स्किन होगी वो धूल मिट्टी डस्ट जो भी होगा सब निकल जाएगा। इसके लिए हमने ये टमाटर ले लिए, थोड़ी सी चीनी ले लिए और टमाटर को ऐसे चीनी में ऐसे लगा के और ऐसे चेहरे को ऐसे स्क्रब करना है और 10 मिनट तक ऐसे लगाते रहना है।
ये देखिए मैं लगा रही हूँ। इसको लगाने से बहुत ज्यादा फायदे मिलते हैं और मैंने 2 दिन तक लगाया, मुझे बहुत ज्यादा असर किया है। इसको लगाने से बहुत ज्यादा जो भी डेड स्किन रहती है, मिट्टी धूल वो सब निकल जाती है और चेहरा बहुत ज्यादा हमारा सॉफ्ट हो जाता है और बहुत ज्यादा ग्लो मारता है। मैं आपको इसका रिजल्ट जरूर दिखाऊंगी। आप इसको 2 दिन तक लगाएंगे, आपको ये जरूर फायदेमंद रहेगा और आप देखिए 2 दिन में आपका चेहरा बहुत ज्यादा ग्लो करेगा। इसको 10 मिनट तक ऐसे घिसिए और 10 मिनट तक घिसने के बाद इसको मुंह धो लेना आप लोगों को। ये देखिए मैं इसको ऐसे घिस रही हूँ। इसको घिसने से जो भी स्क्रब करने से जो भी धूल वगैरह रहेगा वो निकल जाएगा और जो हमारा नेचुरल स्किन होगी वो आपको दिखेगी निखरते हुए। ये देखिए मैं और थोड़ी सी चीनी लगा लूंगी इस पे, ये और ये देखिए। मैंने 2 दिन तक लगाया था इसको तो मेरा चेहरा बहुत ज्यादा ग्लो मार रहा था। मेरी दीदी बोलती चेहरे में क्या लगाए हो, तो मैंने कहा मैंने सिर्फ टमाटर और शक्कर को ऐसे स्क्रब किया था तो मेरी नेचुरल स्किन जो थी वो दिख रही थी और बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गए थे मेरे गाल। टमाटर हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहता है, चेहरे पे लगाना चाहिए। आप देख सकते हैं मैं इसको 10 मिनट तक स्क्रब कर रही हूँ, मेरे 10 मिनट लगभग हो चुके हैं। अब मैं मुंह धोऊंगी और फिर मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगी, क्योंकि मैं ये 2 दिन से कर रही हूँ तो मेरा चेहरा कुछ ज्यादा थोड़ा सा ग्लो कर रहा है। आप लोग इसे घर में ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और फिर मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि इसका असर कैसा हो रहा है। आप देख सकते हैं मैंने मुंह धो लिया, अब मैं मुंह को पोंछ रही हूँ और फिर मैं आप लोग को रिजल्ट जरूर बताती हूँ। ये देखिए मैंने मुंह धो लिया है, मुंह पोंछ ली हूँ और आप देख सकते हैं। आप एक चीज नोटिस करना, मेरे यहाँ पे हल्के हल्के रेड दिख रहे हैं, क्योंकि जो भी मेरी हल्की से मेरी ड्राई स्किन है ना, तो ड्राई स्किन के कारण क्या होता है यहाँ पे रूखी रूखी त्वचा हो जाती है। तो अपन जो टमाटो शक्कर से स्क्रब करते हैं तो वो पूरी निकल जाती और चमड़ी हल्की हल्की निकलने लगती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सॉफ्ट हो गई, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट स्किन हो गई है। ये देखिए आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट स्किन हो गई है और पूरा मेरा फेस ग्लो मार रहा है। आप भी प्लीज घर में ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा है। ये देखिए मेरी स्किन बहुत ज्यादा अच्छी दिख रही है और बहुत ज्यादा ग्लो कर रही है। और मैं आपको धूप में, अभी तो ये छाया थी, मैं आपको धूप में जरूर दिखाती हूँ अपनी स्किन को, धूप में तो और ज्यादा ग्लो करती है। ये देखिए, ये देखिए, आप जरूर करिए ये घर में ट्राई और कमेंट में मुझे जरूर बताइए। ये देखिए कितनी ज्यादा ग्लो कर रही है मेरी स्किन और बिल्कुल बहुत ज्यादा सॉफ्ट लग रही है मक्खन की तरह। और आप लोग भी ये जरूर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा रहता है और टमाटर सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। और शक्कर तो घर में हमारे घरेलू नुस्खे हैं, शक्कर तो इजीली घर में मिल जाती है, तो टमाटर और शक्कर से आप ऐसे स्क्रब करेंगे तो हमारी स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और ग्लो मारेगी। मैंने वीडियो में रिजल्ट शेयर किया, आप लोग जरूर देखें मेरा रिजल्ट और आप लोग भी ट्राई करिए। और आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, नीचे लाल बटन दी होगी इस पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा। और आप लोगों का मुझे सपोर्ट बहुत ज्यादा से चाहिए है, आप लोग मुझे प्लीज ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। और अगर मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज मुझे छोटी बहन छोटी बेटी समझ के मुझे माफ कर दीजिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।